सतीश कुमार बगाना जो दलित पिछड़ों की न्याय की मांग को लेकर हिसार से दिल्ली जो अर्धनगन पैदल यात्रा लेके आए हैं और यहाँ अंबेडकर भवन में ठहरे हैं। यहाँ एक दिन तो यहाँ खाने पीने का प्रबंध यहाँ सभा वालों ने किया और उसके बाद हम लगातार अपना खाने पीने का प्रबंध खुद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रहने के लिए भी अब हमको मना कर दिया। ये दौलत राम नाम का कोई व्यक्ति था जिन्होंने कहा कि अब जिन हमसे जितनी सेवा होगी हमने कर दी और अब आप यहाँ कल मत आना। आप बोलो। मैं शिवी कुमार बगाना, हम हिसार से आए हैं दिल्ली के अर्धनगर से यात्रा, तो एक दो दिन को दी हमारे यहाँ पर सेवा की उनने, लेकिन आज जो हम वहाँ बैठे थे तो हमारे को कह रहे थे कि आप जहाँ जंतर मंत्र की परमिशन मिली है आप वहीं ठहरिए, रात को भी दिन को भी, अब यहाँ ठहरने का आपके स्थान नहीं। मेरा नाम है सुरेश कुमार सिंधु, VPO बगाना और ज़िला हिसार। हम हिसार से 27/6/2012 को अर्ध नगन पैदल यात्रा से दिल्ली पहुँचे हैं और यहाँ अंबेडकर भवन में रुके हुए हैं। उन्हें झंडे वाले में रुके हुए हैं। इन्हें एक दिन हमारी सेवा की है और आज यहाँ से रुको, कल कहीं और अपना रुकने का इंतजाम करें। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये तो आप चार बताइए। नहीं, आप बताइए, आप बताइए। मैं बहन से पूछ रहा हूँ, इसके बारे में आपका क्या विचार है? इनका ये जो एटीट्यूड है, ठीक है कि गलत है? ये हमारे लोगों का हमारे प्रति प्यार प्रेम है, जो हमें कह रहे हैं कि भाई आपका यहाँ रुकना अनुचित नहीं है। उचित है? उचित नहीं है। उचित नहीं है। आप बोलिए सर, अपने बारे में बताइए और बोलिए। मैं डॉक्टर SL धनी, IAS रिटायर्ड, 23 साल पहले कमिश्नर की पोस्ट से हरियाणा से रिटायर हुआ था। मुझे पता चला था और उसमें वीडियोस तो मिस्टर सबलानिया ने, फिल्म मेकर ने जारी किए थे फेसबुक के ऊपर, उनको देखा था और उससे प्रभावित होकर मैं आज इन लोगों से मिलने के लिए आया था। बहुत लंबी चौड़ी बातें हुई हैं, तो इनका हौसला जो हमने देखा वो तो काबिले तारीफ़ है और इस हौसले के साथ इनको जल्दी या देर में कामयाबी मिलना तो निश्चित है। लेकिन ये एक अफसोसनाक बात सामने आई है कि इनको इनके ठहरने का खाने का कोई इंतज़ाम सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ है और ये भी पता चला है कि इस दिल्ली भारत की राजधानी में इन लोगों का हालचाल पूछने के लिए सरकार की तरफ से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि दलितों के ऊपर जितना अत्याचार हो उनको कोई चिंता नहीं है और इसका मतलब ये है कि जो हिंदू धर्म का वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम है उससे ये सारा समाज के जो लीडर हैं वो सहमत हैं। अंबेडकर भवन का तो बताइए। और अंबेडकर भवन में हम कई घंटे यहाँ रहे हैं तो यहाँ ये पता चला है कि आज इनको यहाँ के मैनेजमेंट की तरफ से किसी दौलतराम के मार्फत कहलवाया गया है कि आज के बाद इनको यहाँ सोने के लिए भी जगह अवेलेबल नहीं होगी और अपना इंतज़ाम कहीं और कर लें। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब साफ है कि इनको उन लोगों ने मैनेजमेंट को उकसाया है कि जो कोई अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए उनको हर तरह से कष्ट देना ही उचित है, ये समाज का और यहाँ की सरकार का मंतव्य है। नहीं, ये तो जो है अंबेडकर भवन तो ये तो दलितों के पास ही है,
शेड्यूल कास्ट ही हैं इसके मेंबर। हाँ, अंबेडकर भवन की तो स्थापना ही डॉक्टर अंबेडकर के हाथों से ही हुई थी, जो भारत के संविधान के निर्माता थे। और इस संस्था में भी केवल बैठने और सोने के लिए भी उन लोगों को स्थान ना हो जो अन्याय के प्रति, जो सरकार और समाज की तरफ से घोर अन्याय के प्रति आवाज़ उठाने के लिए आए हुए हैं, अगर उनको इतने भी सहानुभूति ना मिले तो ये कहना अनुचित ना होगा कि इस देश में जहाँ तक ऊपर का समाज है। छोड़िए सर, आप कल अंबेडकर भवन और दिल्ली की बात करिए। हाँ, तो अंबेडकर भवन के जो संचालक हैं उनमें आप जानते हैं उनको कौन है? हाँ, उनसे मतलब यहाँ हमारे कई बार लेक्चर वगैरह होते रहते हैं। नाम क्या सर उनका? मुझे नाम इस वक्त ध्यान नहीं है, लेकिन वो मिलते रहते हैं, मेरे यहाँ लेक्चर भी कई बार हुए हैं। अच्छा। तो लेकिन उनका रवैया जो है वो हमेशा ऐसा ही रहता है, जैसे एक बार मिस्टर सबलानिया फिल्म मेकर ने मेरे अपने सेमिनार के बारे में इनसे जगह मांगी थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया था कि ये भवन एक साल के लिए किसी पर्टिकुलर दिन के लिए हमेशा के लिए रिजर्व्ड है और ये किसी को नहीं दिया जा सकता है। तो उन हालात में उन्होंने व्यवस्था भाई वीर सिंह मार्ग पर एक ऑडिटोरियम में की थी। तो ऐसे हालात में तो अब ये बताइए कि ये भवन जो है इसका क्या होना चाहिए, क्योंकि ये दलितों के हाथों में है, बाबा साहेब के द्वारा स्थापित किया गया है, यहीं पे दलितों को रहने के लिए अगर नहीं दिया जा रहा है, उन्हें भगा के फेंक दिया जा रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये दलितों के हाथों में नहीं है, बल्कि दलितों के जो दुश्मन समाज है उनके हाथों में वो खेल रहे हैं, और ये इससे बड़ी घृणित बात किसी भी समाज के लिए या किसी भी देश में। यहाँ का मैनेजमेंट चेंज होना चाहिए, मैनेजमेंट सरासर चेंज होना चाहिए। तो क्या आप क्या कहेंगे, मैनेजमेंट कैसे लोगों के किसके पास जाना चाहिए, क्योंकि जिसके हाथ में भी गया वो तो ऐसे ही उसको दुरुपयोग करेगा? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। उसमें एक तो ये है कि हर साल मैनेजमेंट का चुनाव होना चाहिए। चुनाव तो पैसे से भी जीत सकते हैं, पैसे से भी जीत सकते हैं, लेकिन फिर भी जो चेंज होकर आते हैं वो कुछ देर के लिए उनको, या ऐसा नहीं होना चाहिए सरकार के अंडर में कोई आईएएस यहाँ पे बिठा देना चाहिए, दलित आईएएस। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ।